राजधानी में एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रक ने बाइक पर सवार तीन जनों को पीछे से टक्कर मार दी और इस हादसे में दो की मौके पर ही मौत हो गई है जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है जिसे सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मृतकों में एक 15 साल की बच्ची भी थी और हादसा इतना भीषण था कि बाइक करीब 20 फीट तक फिसली और बच्ची का सिर धड़ से अलग हो गया। ये घटना हुई खिरनी फाटक 200 फीट एक्सप्रेस हाईवे पर और आपको बता दें कि इस घटना के बाद ट्रक चालक भी मौके से फरार हो गया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए। पुलिस के मुताबिक मृतकों में पायल दीपक उर्फ दीपू है जबकि घायल सुमित यादव है। तीनों मानसरोवर के रहने वाले बताए जा रहे हैं और पुलिस के मुताबिक तीनों बच्चे बाइक पर खाटू श्याम जी जा रहे थे और वापस लौटते हुए यह हादसा हो गया। बच्चों के साथ उनके और भी तीन साथी थे जो कि दूसरी बाइक पर सवार थे। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। ये मामला ऐसा था कि सुबह 6:45 पे अपने पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी हमारे को, तो उस पर हम मेरा एलसी किडनी पाटक पुलिया पे पहुंचे थे जहां पे एक बाइक खड़ी थी और मजरूब को एसएमएस भेजा दिया था। एसएमएस में आके हमने मालूम किया तो एक दीपक और पायल नाम की लड़की थी वो तो उनकी डेथ हो गई थी और एक मजरूब था जो अपने यहाँ पे एसएमएस में अभी जेर इलाज चल रहा है। एक्सीडेंट हमने सूचना पूरा मालूम किया तो पता पड़ा कोई अज्ञात ट्रक टक्कर मार के चला गया था जिसका कोई पता नहीं चला अभी तक, तलाश जारी है।